तो जो हमारे तीन भाई श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए, हम यही चाहते हैं कि जिन लोगों को मारा है उनको सबसे सख्त सजा दी जाए। और जो महबूबा मुफ्ती कह रहे थे कि यहाँ तिरंगे को झंडा देने वाला कोई नहीं होगा, कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, महबूबा जी अपना सोचो कि आपके जनाजे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। और हम यही कहते हैं जो हमारे अमित शाह जी हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी, इनसे हम यही अपील करते हैं कि इन लोगों को सबसे सख्त सजा देनी चाहिए। जैसे कि आज सभी जानते हैं कि श्रीनगर में हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, इनके पीछे इनको मारने वाले मिलिटेंट नहीं हैं, बीच वाले ही हैं, जो महबूबा मुफ्ती के खरीदे हुए चमचे हैं, उन्होंने ही मारा इनको। तो हम प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जय हिंद जय भारत। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे तीन साथी फिदा हसैन बेग जी, जो कि युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी थे, उमर हसैन बेग और उमर रशीद, ये तीन जो हमारे भाई थे, हमारे साथी थे, हमारे बीच में से थे। वैसे तो जम्मू का हर व्यक्ति हमारे बीच में से होता है, लेकिन जो किलिंग है ये चुन चुन कर जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको स्पेशली तौर पर टारगेट किया जा रहा है। मैं ये कहूँगा होम मिनिस्टर जी से, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से और अपने मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि जो भी इसमें शामिल है उनको सख्ती के साथ निपटा जाए और उनका सख्ती के साथ जो है उनको कुचला जाए और इनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे ये तीनों भाई जो शहीद हुए, इससे पहले भी जो शहीद हुए, उनके जो कातिल हैं उनको भी पकड़ा।